तो विराट कोहली के बारे में क्या बोलेंगे आप? विराट कोहली 2010 से पहले भी हमारे पास आया, पर 2010 में उसने गुरु मंत्र लिया हमसे, और वो था और शिखर धवन, ये दोनों इकट्ठे थे और दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, उनको पता था गुरुजी प्लेयर हैं, वहां स्टेडियम भी है, तो कहने लगे गुरुजी विराट कह रहा है बड़ा ही मासूमियत से, छोटा सा, जैसे आज से 6-7 साल पहले की बात है, कहने लगे गुरुजी मैं ऐसा करता हूँ जब 30-40 बन जाते हैं ना उसके बाद मैं आउट होकर वापस आ जाता, ये चक्कर क्या है? शिखर धवन कहता है गुरुजी मेरा भी यही है, मेरा भी निकाल दो मैं बूढ़ा ना हो जाऊं फिर। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने उससे कहा विराट से कि तू स्ट्रोक अच्छे मारता है हमें जो लगता है, कहता हाँ, पर हमने कहा जब 30-40 बन जाते तुझे होता है कि बस पूरा हो गया अब नया शॉट क्रिएट कर दूं, तो वहां खड़ा खड़ा नया शॉट क्रिएट करता है इसलिए आउट होता है। वो बड़ा हैरान कहता गुरुजी मैं टीवी पे भी नहीं आया, गुरुजी को कैसे पता है ये चीज? तो हमने कहा बेटा हमें पता चला क्या, बोल गए हम, पता नहीं किसी ने बता दिया। तो बड़ा खुश हुआ वो, हमने कहा तूने जो खेलता है मारता है शॉट तो मारता रहा कर, उस दिन से वो मार रहा है और अब कैप्टन बन गया हमें लगता है। गुरु मंत्र काम, जी हाँ जी हाँ, गुरु मंत्र उसने सबसे सीरियस होके यूं ही बैठा और यूं ही बैठा, मतलब कम से कम 1.5 घंटा हमने वो चीजें बताई उनको कि बॉडीली कैसे पावरफुल हो सकते हैं, प्राणायाम करके कैसे मसल पावरफुल होते हैं। सबसे सीरियस सुनने वाला वही लड़का था हमारे, बिल्कुल।